झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है। सीएम हेमंत सोरेन यहां ईडी के समन पर विधि के जानकारों से राय लेंगे, वहीं कुछ नेताओं से मिल सकते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी भावना ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। सर, महिला आरक्षण बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? कल लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा की बारी है। अब मुझे मेरे कहने से कुछ होगा, देश में इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। सर, ऐसे में महुआ मांझी जी भी आप ही की पार्टी की है, उन्होंने कहा है इस मामले को लेकर कि ये जो बिल है ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। देखिए, आप खुद महिला एंकर हैं और आप खुद असेसमेंट भी कीजिए, और मुझे लगता है कि आप लोग देश की जनता को जो सही चीजें हैं उन चीज से अवगत कराएं तो ज्यादा बेहतर। सर, दिल्ली का दौरा आपका? दिल्ली का दौरा क्या, निजी दौरा या सर ऑफिशियल तौर पे आए हैं? हम लोग निजी भी आते हैं, ऑफिशियल भी आते हैं, दोनों ये जगह हम लोगों की खासी मुलाकात किसी नेता के साथ, वो तो आप लोगों को पता चलेगा ही ना। चलिए, तो आप सुन रहे थे हेमंत सोरेन को, उनका कहना है कि वो दिल्ली आए हैं और इस दौरे में वो कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना, सीएम हेमंत सोरेन अभी दिल्ली दौरे पर है और अभी शिबू सोरेन से मुलाकात करने भी पहुंचे हुए थे, हालांकि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। अभी क्या कुछ और बातें आ रही है सामने, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इनके आने को लेकर? फिलहाल मैं आपको जो है तस्वीरें दिखा दूं कि ये शिबू सोरेन जी का आवास है, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जो है वर्तमान में सांसद भी है। एक मोतीलाल नेहरू मार्ग जहां पर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जो है रात ही को दिल्ली आ गए थे। कारण साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पिछली बार जब उनके पिता की तबीयत खराब हुई थी तो लगभग 5 दिनों तक वो दिल्ली में रहे थे। ऐसे में जैसे ही उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ, उन्हें आराम आया, तो वो वापस से झारखंड चले गए। फिलहाल ये जो तस्वीरें अब अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये शिबू सोरेन जी का आवास है और यहाँ से जो है धीरे धीरे करके गाड़ियाँ निकल रही है और अंदर की तरफ, मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन से थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर आपको तस्वीरें दिखाएं कि अंदर की तरफ जो है उनकी सारी सिक्योरिटी खड़ी हुई है और यहीं पे वो अपने पिता से मिलने के लिए आए हुए हैं। दरअसल उनके पिता की जो तबीयत है उसमें पहले से सुधार आया है, दिल्ली वो पहुँचे हुए हैं। परसों की तारीख हेमंत सोरेन के लिए सबसे अहम है क्योंकि परसों जो है ईडी का सम्मन उनको फिर से मिला है। ये चौथी बार है जब हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन मिला है। पहली बार जब ईडी का सम्मन मिला तब पत्र गया, दूसरी बार ईडी के सम्मन के विधानिकता पर सवाल उठाए गए और तीसरी बार जब सम्मन गया तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई इस मामले को लेकर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया और अब हेमंत सोरेन के पास एक ही रास्ता जो है नजर आ रहा है, वो है हाई कोर्ट का। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो आज कानून के कुछ विशेषज्ञों से मिल सकते हैं, विधि विशेषज्ञों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही वो कुछ इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर से भी मुलाकात कर सकते हैं। हमने उनका साक्षात्कार किया, जैसे ही वो अपने आवास शांति निकेतन से निकले हमने उनसे पूछा कि आखिर उनका ये जो दिल्ली का दौरा है ये निजी है या फिर ऑफिशियल दौरा है, तो उन्होंने कहा ये निजी दौरा भी है और ऑफिशियल दौरा भी है। यानी कि एक तरफ से आप देख सकते हैं अपने पिता से मिलने आए हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य में जो है वो परिवर्तन आया है, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन पहले से बेहतर बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ परसों उनकी अहम तारीख है यानी कि ईडी का सम्मन है। और ऐसे में बार बार ईडी के सम्मन को टालना हेमंत सोरेन के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है, जिसके समाधान के लिए वो देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर चुके हैं, देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं। कल शाम को वो यहाँ पर जो है पहुँच चुके थे और आज सुबह से जो है वो अपने आवास शांति निकेतन पर थे और इसके बाद वो सीधा निकल के शिबू सोरेन जी से मुलाकात करने आए, और यहाँ से बताया जा रहा है कि वो कानून विशेषज्ञों से मिलने भी जा सकते हैं और साथ साथ उनकी सलाह भी ले सकते हैं और कुछ लीडर से जो है मुलाकात करके उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और उनसे समझ भी सकते हैं कि आखिर ये जो स्थिति पैदा की जा रही है इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है। क्योंकि जब हम दीपक प्रकाश जी से बात करते हैं जो कि बीजेपी के बड़े लीडर भी है, सांसद भी है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन बार बार ईडी के सम्मन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है बल्कि 3 बार हो रहा है। आखिर क्यों हेमंत सोरेन जो है ईडी के सम्मन का सामना नहीं कर रहे, नहीं पहुंच रहे? दरअसल हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले साल उन्होंने ईडी के समक्ष जो है अपने पत्रों के माध्यम से चल अचल संपत्ति तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो सबमिट कराया था और हाल ही में उन्होंने एक बयान भी जब दिया था मीडिया से बातचीत करते हुए तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ दस्तावेज खो गए हैं तो हमें बताइए, हम तमाम चीजों को उपलब्ध कराते हैं लेकिन बेवजह परेशान ना किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईडी के सम्मन के बावजूद भी हेमंत सोरेन का ना पहुंचना
काफी सारे सवाल खड़े करता है। और वहीं दूसरी तरफ कई मंत्रियों के घर भी छापेमारी हुई, उनके घर भी ईडी पहुंची, उनके घरों में भी जो है ईडी ने जो है चेक किया, जांच की, तमाम चीजें हुई। और ऐसे में अब चुनाव भी नजदीक है, तो एक तरफ जहां गठबंधन के तमाम लीडर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनावों को देखते हुए इस तरीके की रणनीति की जा रही है, इस तरीके की चीजें की जा रही है परेशान करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक रुख ये भी बताया जा रहा है कि आखिर डर किस बात का है अगर भ्रष्टाचार आपने नहीं किया है तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है और अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।